नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बड़ा है, क्योंकि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर पहले चरण के आज वोटिंग है। इन सभी 43 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। ऐसे में ये देखना होगा कि इन सीटों पर जनता किसके पक्ष में ईवीएम का बटन दबाती है। 9 बजे तक जनता ने 13% वोट डाल दिए। बुधवार को देश भर की 31 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान शुरू हो गया। बता दें, केरल की हाई प्रोफाइल वायनाड लोकसभा क्षेत्र में भी वोटिंग हो रही है। यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी शुरुआत कर रही हैं। उनका मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मोकेरी से है। जिन 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो 10 राज्यों में हैं, जिनमें राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ गुजरात की 1-1 सीट शामिल है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की बार बार जांच किए जाने के बाद अब चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जांच की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के लातूर पहुंचने पर गडकरी के हेलीकॉप्टर का निरीक्षण किया। बता दें, इससे पहले यवतमाल में और फिर लातूर में शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे के बैग की चेकिंग की गई थी। 2 दिनों में 2 बार ठाकरे के बैग की चेकिंग की गई थी, जिसके बाद ठाकरे और उनके समर्थक चुनाव आयोग को घेर रहे थे और फिर चुनाव आयोग ने गडकरी की चेकिंग कर ली, जिससे लोगों का विश्वास जीता जा सके। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने नवाब मलिक को बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव मैदान में उतारा है। अजीत पवार बीजेपी से अलग आवाज भी उठा रहे हैं। उन्होंने योगी के नारे का विरोध भी किया है। नवाब मलिक तो बीजेपी के खिलाफ बोल ही रहे हैं। अब नवाब मलिक ने कहा है कि मैं अजीत पवार के साथ हूं, बीजेपी के साथ नहीं। दैनिक भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा कि नतीजों के बाद कौन किसके साथ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को एक कैदी की सजा माफी के आवेदन पर फैसला लेने के लिए पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने चेतावनी दी कि अगर वो अदालत के आदेशों को इतनी लापरवाही से लेते रहे तो छूट निकाय के अध्यक्ष यानी गृहमंत्री और अन्य सदस्यों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस ओका ने परेशान होकर कहा कि अगर इस अदालत के आदेश को इतनी लापरवाही से लिया जाता है तो हम ऐसा करने वालों को अवमानना नोटिस जारी करेंगे, चाहे वो राज्य के गृहमंत्री ही क्यों ना हो। भारत में टीवी मीडिया पर अब गाली गलौज के शो होने लगे हैं। सालों से ये होता रहा है और अब भी जारी है। अब एबीपी के एंकर चित्रा त्रिपाठी की डिबेट में लफड़ा हो गया है। कार्यक्रम में शामिल नेता लोग डिबेट में सुअर की औलाद बाप तक पर पहुंच गए। सुअर औलाद और बाप का ये वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है। लोग कह रहे हैं कि टीवी बहसों में ऐसे लोग ही आमंत्रित किए जाते हैं जो माँ बहन कर सकें, एक दूसरे को कुत्ते और सुअर के बच्चे बताकर शो को हिट कर सकें। अब तो ना संपादकों को शर्म आती है और ना ही एंकरानियों को। दर्शकों का हाल तो और भी बुरा है। वो ऐसे गाली गलौज वाले शो को खूब देखते हैं और एंकरानियों की हौसला अफजाई करते हैं। एनएसओ ने खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थों खासकर फलों, सब्जियों, मांस और मछली तथा तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई, जो 14 महीने का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके साथ ही ये आरबीआई की तय सीमा को पार कर चुकी है। CFPI पर आधारित खाद्य महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 10.87% के दाही अंक तक पहुंच गई है, जो कि 15 महीने का उच्चतम स्तर है। ये सितंबर में 9.24% और पिछले एक साल में 6.61% थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पीएम मोदी 16 नवंबर से नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 से 21 नवंबर तक तीनों देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति ट्रंप अपने कैबिनेट के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA प्रमुख और व्हाइट हाउस काउंसिल की नियुक्ति कर दी है। वहीं भारतीय मूल के विवेक रामस्वामी और एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने पीट हेगसा को रक्षा मंत्री, जॉन रेडक्लिफ को CIA
चीफ और विलियम जोसेफ मैकगिले को व्हाइट हाउस काउंसिल के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा सचिव के पद के लिए फॉक्स न्यूज के होस्ट और सेना के अनुभवी पीट हेगसेथ के नामांकन की घोषणा की, जो काफी हैरान करने वाला फैसला है। ट्रंप ने कहा कि पीट हेगसेथ के रक्षा प्रभारी होने से अमेरिका के दुश्मनों को चेतावनी मिल रही है और सेना फिर से मजबूत होगी, अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने कहा कि पीट ने अपना पूरा जीवन सैनिकों और देश के लिए योद्धा के रूप में बिताया है। पीट सख्त, होशियार और अमेरिका फर्स्ट में सच्चा विश्वास रखने वाले हैं। पीट के नेतृत्व में अमेरिका के दुश्मन सतर्क रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारी सेना फिर से महान होगी और अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि पीट 8 साल तक फॉक्स न्यूज में होस्ट रहे हैं, जहां उन्होंने उस मंच का इस्तेमाल हमारी सेना और दिग्गजों के लिए लड़ने के लिए किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।